नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस के हमले से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन खुद चीन के लिए ये वायरस अब वरदान साबित हो रहा है। जहां एक तरफ इस वैश्विक महामारी ने सभी देशों की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रहार किया, वहीं चीन इसी की बदौलत मोटा मुनाफा कमा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई देशों में बड़े स्तर पर मास्क निर्यात कर रहा है, उसके लिए ये बिजनेस बहुत फायदे का साबित हो रहा है। मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से फैले कोरोना वायरस के चलते मास्क समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों की मांग बढ़ गई। इसी दौरान कई चाइनीज कंपनियों ने मास्क बनाने वाली नई फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। उत्तर पूर्वी चीन में 5 इकाइयां एक साथ खोलने वाली एक कंपनी गुआन शुंजे नामक अब बड़े पैमाने पर N95 मास्क बना रही है, जिसकी दुनिया भर में भारी मांग है। ये फैक्ट्री अब चीन के बाद कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इटली को मास्क निर्यात कर रहा है। चीन में इस समय 8,950 कंपनियां मास्क बनाकर दूसरे देशों को बेच रही हैं। कई बिजनेस डेटा प्लेटफॉर्म्स की माने तो भारी मांग को देखते हुए इस साल के पहले 2 महीने के भीतर ही चीनी कंपनियों ने मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। हर कंपनी लगभग 60,000 से 70,000 मास्क रोजाना बना रही है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 11.6 करोड़ मास्क का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, जो कि दूसरे देशों में से आई भारी मांग को पूरा करने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीन बड़ी संख्या में इटली समेत यूरोपीय देशों और दक्षिण कोरिया को मास्क का सप्लाई कर रहा है। कई देशों से मास्क बनाने की मशीनों के लिए भी चीन को भारी संख्या में ऑर्डर आ रहे हैं।